शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में जैन आगम ठाण पर आधारित अमृतमय देशना से श्रावक श्राविकाओं को अध्यात्म का नव आलोक मिल रहा है। आचार्य प्रवर द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान की व्याख्याओं से जन जन लाभान्वित हो रहा है। धर्म देशना देते हुए आचार्य श्री महाश्रमण ने कहा कि संयम का तात्पर्य है चारित्र। सर्व चारित्र साधु में होता है और श्रावक में देश चारित्र विद्यमान होता है। चारित्र के पांच प्रकार बताए गए हैं, सामिक, सूक्ष्म संप्राय, छेदोपत स्थानीय, यथाख्यात, परिहार, विशुद्धि चारित्र, अंश रूप से आरंभ, शुभारंभ से निवृत्त होने वाला देशवृत्ति श्रावक कहलाता है। पांचों चारित्र का पूर्ण रूपेण पालन करने वाला साधु कहलाता है। उपरोक्त चार चारित्र सामिक चारित्र के ही विशिष्ट रूप हैं। आचार गुण संबंधी भिन्नता के कारण इन्हें भिन्न श्रेणी में रखा गया है। साधु की सामिक में सर्व सावध्य योग का त्याग होता है, परंतु श्रावक के सर्व सावध्य योग का त्याग प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है पर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, इससे साधु का त्याग बड़ा होता है। आचार्य वर्ण ने आगे फरमाया कि शास्त्रकारों ने अलग अलग व्याख्या करके संयम की विवेचना की है। संयम चारित्र के दो मूल भेद है, सराग संयम, वितराग संयम। सराग संयम में आयुष्य का बंद हो सकता है, वितराग संयम में फिर आयुष्य का बंद नहीं होता। तत्पश्चात आचार्य प्रवण ने तेरापन धर्म संघ के सष्टम आचार्य श्री माणक गणी का जीवन वृत्त, माणक महिमा का संगान किया।